हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों के लिए आयरन रिच थालीपीठ बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मकई का आटा, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। बाद में हमने दो कटोरी मकई का आटा लिया है, दो कटोरी ज्वार का आटा, एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी बेसन। मकई के आटे में बहुत सारे आयरन रिच फाइबर्स होते हैं और ज्वार के आटे में कैल्शियम, आयरन रिच फाइबर्स एंड डाइजेशन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और कोई भी घर में लीफी वेजिटेबल है, पालक, मेथी, तो मैं मेथी ले रही हूँ, तो मेथी हमें एक कटोरी डालना है। और दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, प्याज भी मैं इसमें डाल देती हूँ, प्याज से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। और हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, और धनिया। नमक, एक चम्मच नमक, और ये अजवाइन है, एक चम्मच मैंने अजवाइन लिए हैं। इसे थोड़ा सा क्रश करके हम डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी। और जीरा, आधा चम्मच जीरा मैंने लिया है, उसे भी इस तरह हाथों से मलते हुए डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे सब मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनेगा, बहुत क्रिस्पी बनेगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। अभी इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मल लेंगे और बहुत फटाफट बन जाता है। इस तरह से हमारा आटा गूंथना चाहिए। जब अभी हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा पतला पतला सा, इस तरह से। तो चलिए गैस के पास चलते हैं, गैस को हम शुरू करते हैं और थोड़ा सा तेल। इस तरह से पानी का हाथ लेते जाइए थोड़ा थोड़ा और इसे फैलाते जाइए। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। बस इस तरह हम बनाएंगे। थोड़ा सा तेल में डालती हूँ, थोड़ा सा बीच में इसे एक दो साइड से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा तेल इसमें भी डालती हूँ। देखिए कितना मस्त हो गया है।
आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख पाए। अभी हम इसे पलट देते हैं, देखिए कितना मस्त हो गया है, बहुत क्रिस्पी बन जाता है ये और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। हम निकाल लेते हैं। उतने आटे से हमारे 10 थाली पीठ तैयार हो गए हैं। इसे 3 से 4 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। और उसके साथ ये दही मैंने तड़का दे के बनाया है, वो भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू।